जानकारी। नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के रामनगर और गांधीनगर के बीच में लगने वाले इस गंदे नाले से कई बार जो है इस नाले को बिना ढके हुए भी जरूर देखा गया। हालांकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ढाका गया है, कहीं ना कहीं बीच बीच में जगह जरूर है। और साथ साथ बात करें तो काफी समय से इसका काम भी चल रहा है। आगे की तरफ से बात करें तो काफी गहरा गड्ढा वहां पर जरूर खोदा गया है और वहां पर काम चल रहा है। लेकिन आज सुबह सुबह बेहद ही दर्दनाक एक हादसा सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग का शव जो है इस नाले में पाया गया। हालांकि अभी पहचान नहीं हो पाई है, उम्र हम कह सकते हैं कि 40 से 50 के बीच में हो सकती है। आंटी जी, क्या लगता है कैसे कब की है ये बॉडी? यह हमारे को मालूम नहीं है बेटे, हम नहीं पता नहीं, हम तो अभी आए हैं अभी। अच्छा, कैसे, किसने देखी ये पता है? ये कोई मैच लेके कोई जा रहा था, कोई व्यक्ति, उन्होंने ये चार पड़ोसी बैठे बीच में तो बंदा मरा पड़ा। अच्छा, और ये काम कब से चल रहा है? काम तो बंद हो गया, महीना दो महीना हो गया, काम बंद पड़ा है बेटे, काम बंद पड़ा। हमारे कोठे में पानी भर जाता है, उन्होंने हमारे को बहुत दुखी कर रखा है। बारिश में भी बड़ी, बारिश में बहुत हमारे को दुखी है। बारिश आए तो हमारे लाले छूट जाते हैं, क्या करें फिर, बुलाते क्यों नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं नाले के बिल्कुल साथ साथ जो है आपको वो घर नजर आ जाएंगे जो बिल्कुल इस नाले के साथ रहते हैं। हालांकि यहाँ पर गंदगी भी काफी ज्यादा देखी जा रही है, कूड़ा कबाड़ और गंदगी। और यहाँ पर एक वो है, उनसे भी जरूर जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एक बुजुर्ग का शव है, काफी जो है उनकी हालत काफी बुरी नजर आ रही है। हो सकता है कि आगे से वो शव आया हो या फिर वो अचानक से यहाँ पर गिर गए हों और खुद को संभाल ना पाए हों। लेकिन अभी कोई भी कारण जो है सामने नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो शव है उसकी पहचान नहीं हुई है, ना ही इस तरह का किसी व्यक्ति के लापता होने की अब तक खबर है। किसी ऐसे व्यक्ति के लापता होने की खबर नहीं है जिसकी उम्र 40 से 50 के आसपास हो। आपको एक बार मैं जरूर बता दूं कि अगर बुजुर्ग की बात की जाए तो एक हल्के ग्रे रंग की शर्ट जो है उन्होंने डाली हुई है और शायद जो बाल है वो भी व्हाइट बाल है, सफेद जो है उनके सर पर बाल है। ग्रे कलर की शर्ट डाली हुई है, हल्के जो मैले रंग की शर्ट है वो जरूर डाली हुई है, फुल बाजू की ये शर्ट है। एक बार अगर आपके आसपास से कोई इस तरह का बुजुर्ग लापता है या व्यक्ति लापता है तो आप जानकारी थाना रामनगर में जरूर दें, क्योंकि अभी शव यहीं पर है। पहले जो है टीमों को बुलाया जाएगा, जांच की जाएगी, फिर शव को निकाला जाएगा। हालांकि अगर अभी बात की जाए तो शव का जो मुंह है, फेस है, वो नीचे की तरफ है। जब इसे पलटा जाएगा तो हो सकता है कि किसी से पहचान हो सके कि आखिर ये किसका शव है। आसपास आप देख सकते हैं काफी ज्यादा गंदगी है और नाले में बड़ी ही बुरी हालत में जो है बुजुर्ग का शव जरूर मिला है। हल्के ग्रे रंग की शर्ट जो है पाई हुई है और एक उसी रंग का हो सकता है कि कुर्ता पजामा जैसा जो है ये नजर आ रहा है, हल्के ग्रे रंग का कुर्ते पजामा जैसा। जी हाँ, कुर्ते पजामा जो है ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है जो अक्सर बुजुर्ग डाला करते हैं। और सफेद बाल है, एक बार बातचीत और कर लेंगे जो यहाँ के आसपास के लोग हैं। आंटी जी, कैसे जानकारी लगी, पहले भी कभी ऐसा हादसा हुआ है यहाँ पर? नहीं जी, पहली बार हुआ है। बाकी ये है कि बच्चे दो तीन बार गिर चुके थे, उनको निकाल लिया जाता था, निकाल दिया था बच्चों को। बाकी ये नालों के ढक्कन तो कोई लगा ही नहीं रहे हैं जब से नाला बना, बेकार बनाया। पहले जो नाला था बिल्कुल सही था और ना किसी नाले पे ढक्कन नहीं लगा रहे और काम ही बंद है ये। अच्छा, कब से बंद कर रखा है इन लोगों ने? ये तो हो गया जी 4-5 महीने हो गए बंद ही पड़ा जी काम। हमारे भी बच्चे बीमार पड़े हैं, गंदगी देखो जाके कितनी है, किसी नाले पे ढक्कन नहीं है, हम तो बहुत परेशान हैं। कि ये आसपास के लोग हैं काफी ज्यादा परेशान हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग इकट्ठा हैं और गुस्सा है क्योंकि इसमें बच्चे भी जो है वो गिर सकते हैं। अब बुजुर्ग का शव मिला है, बुजुर्ग के शव की बात की जाए तो हल्के ग्रे रंग की यानी कि जो स्लेटी कलर उस तरीके का एक कुर्ता पजामा और व्हाइट रंग के जो है बुजुर्ग के बाल नजर आ रहे हैं। बाबूजी, आपने कभी देखा इस तरीके के व्यक्ति को आसपास कभी? तो फिलहाल जो है बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है। अगर बात की जाए तो मौके पर रामनगर थाना SHO भी पहुंचे हुए हैं। काफी ज्यादा बुरी हालत जो है जरूर नजर आ रही है और तमाम जो लोग इकट्ठा हैं उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा है क्योंकि जगह जगह अगर बात की जाए तो नाले के ऊपर जो ढक्कन है वो नहीं लगाए गए हैं, काफी समय से जो वो बंद है। बाबूजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, ये देख रही है प्रशासन, दो एक आधा और मरेगा तब निकालेंगे। 3-3.5 घंटे हो गए लाश मिली को, तो कम से कम इनको निकालना चाहिए था। बाबूजी, टीमें आ रही हैं वो निकालेंगे, लेकिन ये है कि आपको क्या दिखता है? 3 घंटे हो गए अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तो लापरवाही किसकी समझते हैं आप? लापरवाही सरकार की है।
तो नेता लोग नहीं सुनवाई करते, तो इन्होंने तो इनको तो टाइम है भाई इलेक्शनों में भी हमारे को वोट मिलेंगे, तो कम से कम इनको ये चाहिए भाई सरकार तुरंत आए, देखे भी इसकी जांच करवाए भी कौन है कहाँ का है, तो आई नहीं रहा, बुजुर्ग नजर आ रहे हैं वैसे। अरे बेटा क्या कौन आएगा, तो फिलहाल देख सकते हैं एक बुजुर्ग हैं, काफी ज्यादा गुस्सा जरूर है कि अब तक जो है शव को निकाला नहीं गया क्योंकि काफी ज्यादा समय भी जरूर हो चुका है, बुजुर्ग का शव है फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। और वहां पर देखिए कि जो हालात है वो काफी ज्यादा बुरे हैं, ये नाला है जिसे गंदा नाला कहा जाता है, रामनगर और गांधीनगर के बीच में से ये गुजरता है और काफी लंबा है, आप दूर तक देख सकते हैं। और फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरे हालात बने हुए हैं, और गंदगी अगर बात की जाए तो गंदगी भी काफी ज्यादा नजर जरूर आ रही है, लेकिन अगर बात की जाए कि अब तक कोई यहाँ पर जो है शव को नहीं निकालने पहुंचा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आसपास के लोगों में गुस्सा भी जरूर है। और सबसे बड़ी बात जगह जगह जो है खोला गया, एक बार देखिए रामनगर गांधीनगर किथे तोड़ी झील, इन्नी दूर का इलाका देता शायद पूरा डबरी सारा इधर उचाणी का, किथे उचाणे किथे गांधीनगर, अंदर रामनगर दे नाल हुंदा एमसी नूं आंदे भी साडे गंदगी पई है, उहदे कोल जांदे उह कहंदे ने एमसी साहब घर कोई नहीं, एमसी साहब ने घर की तो मैंने पता ही नहीं किसी नूं, इत गांधीनगर तेन पुछ ये नहीं पता भी एमसी साडा है किहड़ा, रहिंदा किथे वे ना कदी आया इधर। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों में गुस्सा है क्योंकि जो मौके के एमसी हैं वो बताया जा रहा है कि इन लोगों को नाम तक जो है ढंग से नहीं पता है कि वो कौन है। और फिलहाल काफी अगर बात की जाए तो बुरी हालत है, एक बार फिर से बता दूं कि जो बाल हैं बुजुर्ग के वो वाइट रंग के बाल नजर आ रहे हैं, और कुर्ता पजामा हल्के धोले रंग का कुर्ता पजामा जो उन्होंने डाला हुआ है। अगर आप के आसपास से कोई इस तरह का व्यक्ति लापता है तो रामनगर थाने में इसकी जो है इस बात को जरूर बताए, क्योंकि अभी फिलहाल जो है शव की पहचान नहीं हो पाई और काफी ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं मौके पर। हो सकता है कि अभी एफएसएल को भी बुलाया जाए ताकि जांच की जा सके कि कौन व्यक्ति है कौन है। और तमाम लोग ये देखिए पर पब्लिक जो है काफी ज्यादा गुस्सा है, जी हाँ काफी ज्यादा गुस्सा है। जब से ये गंदा पक्का नाला हो गया तब से ये कभी देखो इसमें सफाई हुई है, अगर ये महीने दो महीने बाद सफाई करें तो पता लगता रहता है भी चलो भी कोई दिक्कत है। अरे कोई एमसी बना दिया गांधीनगर का एमसी बना दिया उचाने का, तो कौन आएगा उचाने से देखने। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मौके पर जो एसएचओ है वो भी पहुंच, सुनो ये प्रेमनगर है ये रामनगर है, तो क्या इसमें क्या फिलहाल आप देख सकते हैं मौके पर जो रामनगर एसएचओ है वो जरूर पहुंचे हुए हैं और अपनी आगे की कार्यवाही जरूर करते नजर आए, उनसे भी जान लेंगे कि क्या अभी तक जो है इस बारे में कोई जानकारी लग पाई है कि बुजुर्ग जो है वो कौन है और जो है कैसे उनके साथ ये हादसा हो गया, वो गिर गए फिसल गए या क्या कुछ कारण रहे, कोई इसकी जानकारी नहीं है। एक बुजुर्ग है जिनका शव जो है यहाँ से मिला, आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और ये हालात आप दूर तक जो है जरूर देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं। ये अगर बात की जाए ये नाला जो है अभी बन ही रहा था और इतनी ज्यादा जो है इसकी गंदी हालत है, आसपास कूड़ा करकट देखा जा रहा है और तमाम लोगों के घर भी आसपास ही हैं, तो आप सफाई व्यवस्था का भी अंदाजा अपने आप से लगा सकते हैं। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे और ये नाले की आप देख सकते हैं तस्वीरें कितना ज्यादा जो नाला है वो किस तरीके से गंदा पड़ा है, आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल शव को निकलवाया जाएगा और पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाएगा ताकि किसी परिवार का है तो वहां पर पहुंच कर इसकी जानकारी ले सकते हैं, और अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति आपके आसपास से लापता है तो उसकी जानकारी भी आप जरूर दे सकते हैं। आपको बता दें कि जो बुजुर्ग है उनके बाल वाइट रंग के सफेद बाल हैं और कुर्ता पजामा उन्होंने डाला हुआ है हल्के ग्रे रंग का स्लेटी रंग का। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल ये तस्वीरें और ये हालात हैं करनाल के, जहां पर किस तरीके से एक नाले में गिरने से फिलहाल जो नजर आ रहा है कि बुजुर्ग की मौत हो चुकी है और उनका शव यहां पर
पड़ा हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले किसी व्यक्ति ने उसको देखा, जिसके बाद तमाम लोगों को जानकारी दी गई और आसपास के लोग इकट्ठा है। गुस्सा है कि यहाँ की सफाई आदि नहीं होती, ढक्कन आदि जो है वो नहीं लगाया। आप लोगों से प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के आप देख सकते हैं रामनगर इलाके से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से योगी अमन गोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।